हरियाणा में आशा वर्करों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब मांगों पर सरकार ने की वादा खिलाफी, हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। जी हां, हम आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में जो है आशा कार्यकर्ताएं धरना प्रदर्शन कर रही है। आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पक्का करने, ऑनलाइन काम का दबाव न देने, वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रहेंगे। आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव सोनिया ने कहा कि 2018 में हड़ताल के दौरान मानी गई मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। अगर सरकार मांग नहीं मानती तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आशा वर्कर सोनू ने कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। आशा वर्करों ने मांग की कि 2018 के बाद से आशा कार्यकर्ताओं के काम में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन 5 साल में मानदेय नहीं बढ़ा। आशा वर्करों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मानदेय और प्रोत्साहन राशि को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ESI, PF और रिटायरमेंट लाभ दिए जाएं। अनुभव व योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी सेंटरों पर आशा वर्कर के बैठने व सामान रखने की व्यवस्था की जाए। जहां सब सेंटर नहीं हैं वहां आशा सेंटर खोले जाएं। 8 एक्टिविटी के काटे गए 50% को वापस दिया जाए और CM द्वारा घोषित 7,000 रुपये जारी किए जाएँ। वर्करों को PHC मीटिंग में जाने व मरीज के साथ जाने का किराया दिया जाए। सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष ड्रेस के लिए 2,000 रुपये करते हुए रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन राशि फिक्स की जाए। तो इस प्रकार लगातार आशा कार्यकर्ताएँ अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। कुछ दिन पहले बिहार में भी जो है लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के परिणाम स्वरूप आशा कार्यकर्ताओं को 25 रुपये के मानदेय जो है दिया गया। उसके बाद जो है बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल से वापस लौटा।